खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बलात्कार व हत्या की घटना के बाद कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी सचेत हो गई है। शासन से जारी निर्देश पर गुरुवार को ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत की गई। इसकी नोडल अधिकारी ADCP साउथ अंकिता शर्मा को बनाया गया है। गुरुवार को अधिकारियों ने अस्पतालों का दौरा कर महिला कर्मचारियों व चिकित्सकों की सुरक्षा का जायजा लिया। नोडल अधिकारी ADCP साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का नंबरों की जानकारी दी जाएगी। गुरुवार को ADCP और ACP ने अस्पतालों में संगोष्ठी करने के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ बैठक कर हेल्पलाइन 1090 डायल 112 SOS के बारे में बताया। आज पुलिस विभाग की तरफ से अभियान चल रहा है महिला उत्पीड़न और महिला हिंसा को रोकने के लिए, सुरक्षा के उपाय को बताने के लिए। आज मेरे द्वारा सत्य हॉस्पिटल जनता नगर, धनवंतरी हॉस्पिटल नौबस्ता और आत्माराम हॉस्पिटल नौबस्ता का विजिट किया गया और सुरक्षा के बारे में जो भी महिलाएं वहां कर जा रही थी उनको बताया गया। उनको जो भी नंबर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए जैसे 1090 181 112 ये बारे में बताया गया कि इन नंबरों को अगर कोई आपको सुरक्षा की भावना होती है तो इन नंबरों को कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। और इनको ये भी बताया गया कि रात्रि में अगर आपको कहीं आने जाने में कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप 112 को कॉल करके अपने उस स्थान पे गाड़ी को बुला करके और जहाँ जाना है कम दूरी के वहाँ पे आप जा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।